नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल शासकीय आयुष महाविद्यालय में कार्यरत आयुष शिक्षकों ने राजधानी में वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर खुशीलाल आयुर्वेद संस्थान में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। आयुर्वेद टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी कुल 9 महाविद्यालय में लगभग 250 शिक्षक कार्यरत हैं, जो कि कई वर्षों से वेतन संशोधन की मांग कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे आक्रोशित आयुष शिक्षक अब आंदोलन की राह पर आ गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर नेहा मिश्रा ने बताया कि अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर आयुष शिक्षकों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसके पहले चरण में काली पट्टी बांधकर काम किया नहीं, वहीं अगले चरण में सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ के साथ ही जरूरत पड़ी तो काम बंद आंदोलन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयुष शिक्षकों का वेतन प्रदेश के पशु चिकित्सा, दंत चिकित्सा और अन्य महाविद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में बहुत कम है। पशु और दंत के अलावा चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रोफेसर को पुनरीक्षित वेतनमान और अन्य भत्ते वर्ष 2013 से प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि आयुष शिक्षकों के वेतनमान में कोई शोध नहीं किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, बहुत ही विडंबना की बात है कि एक ओर जहां पर आयुर्वेद को पूरे विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है, वहीं पर आज अपने ही देश में, अपने ही स्वराज्य में हमें घोर उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुख का विषय है कि हमारा जो वेतनमान है वो पशु चिकित्सक और दंत चिकित्सक से भी कम है। ये वही आयुष विभाग है जिसने शासन के हर आदेश को शिरोधार्य करते हुए समाज के प्रति अपनी उत्तरदायित्व का पालन ईमानदारी से करने की एक सहज कोशिश की है। ये वही आयुष विभाग है जिसने कोरोना काल में अपने जान की परवाह किए बिना घर घर जाके आयुष किट का वितरण किया है। आज हम ये मांग, एक सूत्रीय मांग करने बैठे हैं यहाँ पर। 27 जुलाई से आज हमारा ये प्रदेशव्यापी प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं और इसमें क्रमबद्ध तरीके से हम बहुत सी सामूहिक कार्यक्रमों को अंजाम देंगे। आज हमने काली पट्टी बांधकर प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। शासन से हमारी न्याय की गुहार है। हम ये चाहते हैं कि हमारी एक सूत्र मांग, जो कि अन्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के समतुल्य वेतन की है, वो हमें न्याय संगत रूप से यथाशीघ्र प्रदान करने की कृपा करेंगे। मैं यही कहना चाहूंगी कि इस प्रदर्शन के क्रम में हम सामूहिक अवकाश, सद्बुद्धि यज्ञ, क्रमिक अनशन और अन्य कार्यक्रमों को अंजाम देंगे, जैसी भी परिस्थितियां निर्मित होंगी। मैं यही कहना चाहूंगी कि कैसा ये दंश झेल रहे हैं, कैसा ये दंश झेल रहे हैं अपने ही घर में पराए पन का हम, कि अपनी खुशी और अपने मान की रक्षा के लिए अपनों से ही भीख मांगनी पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस न्याय की गुहार में हम माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर आज प्रस्तुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष शिक्षक की तरफ से, आप सभी का पुनः धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।